हेलो एवरीवन, आई एम शिवम वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आर फोर्थ डे ऑफ स्प्रिंट सीरीज ऑफ साइंस इन विच वी आर कमिंग विथ मिक्स क्वेश्चन ऑफ़ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ठीक है आई होप आपने तीनों लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखा होगा और उस पर प्रैक्टिस करी होगी और उस पर अपने नोट्स बनाए होंगे ठीक है आज हम इसी का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करना पड़े हैं जिसमें हम वापस से मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे ठीक है और मैं आपसे फिर उम्मीद करूँगा कि आप इन पर नोट्स बनाएं प्रॉपर ठीक है और इनको गो थ्रू करें ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वाई द कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन ईजी एंड यूज मोर वाइडली ठीक है तो अगर आपने क्लास टेंथ का फिज़िक्स में आई चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उस पर आई का पूरा डायग्राम देखा होगा ठीक है इस टाइप से हमारा कुछ आंख का डायग्राम रहता है मोटा मोटा तो इस टाइप से थोड़ा सा बल्जिंग आउट हमारी आंख रहती है ठीक है तो हमारा इस इस पोर्शन पे हमारा कॉर्निया होता है ठीक है जो हम यूज करते हैं कॉर्निया के बाद हमारा प्यूपी लाता है जो हमारा कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आँख में जाना चाहिए वो कंट्रोल करता है ठीक है इसी के पास यहाँ पर सिलेरी मसल्स होती है सिलेरी मसल्स कंट्रोल करती है द पावर ऑफ एकोमोडेशन कि हम कितनी दूर तक या कितनी पास की चीज़ें फोकस से देख पाए ठीक है ये हमारी सिलेरी मसल्स कंट्रोल कंट्रोल करती है हमारे यहाँ पर रेटिना होता है हमारी ये लेंस लगी रहती है ठीक है जहाँ से रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारा यहाँ पर इमेज बनती है जिससे हम सारी चीज़ें देख सकते हैं और जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है देन वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जाती है ब्रेन में उसको करेक्ट करती है उसको सीधा करती है ठीक है और फिर हम सारी चीज़ों को विजिबल कर पाते हैं ये बहुत ही फास्ट होता है ठीक है फ्रैक्शन मिनी फ्रैक्शन सेकेंड्स में सारी चीज़ें हो जाती है तो सबसे अपन क्वेश्चन पर अगेन आते हैं कि कॉर्निया ट्रांसप्लेट ट्रांसप्लांटेशन सबसे ईजी क्यों हुआ है और सबसे ज़्यादा यूज क्यों होता है तो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो कॉर्निया है वो हमारी बॉडी में इकलौता ऑर्गन है जहाँ पर ब्लड वेसल्स एग्जैक्ट कनेक्टेड नहीं है ठीक है तो हम जब उसको चेंज करते एक्सचेंज करते तो वहाँ पर हमारा जो ब्लड होता है वो निकलने के बहुत कम चांसेस होते हैं और इसलिए ये मोर फिज़िबल है करने में और इसका आंसर है कॉर्निया डज नॉट लिंक अप विथ ब्लड वेसल्स ठीक है ब्लड वेसल्स नहीं होते तो ईजिली होता है फिजिबल होता है ठीक है डूएबल होता है ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होती है और इसलिए हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं हम वाइड ब्लीडिंग अकर थ्रू द नोस इन हाई माउंटेन रीजन ठीक है तो माउंटेनियस रीजन में ब्लीडिंग क्यों होती है तो फॉर एग्जाम्पल ये आप माउंटेन पे चढ़ रहे हैं ठीक है इंटरव्यू वगैरह में पूछेंगे कि आपकी हॉबी वगैरह क्या है तो आपके कुछ ना कुछ हॉबी होनी चाहिए ठीक है बहुत सारे बच्चे जो है ट्रैकिंग हॉबी देते हैं तो उनसे बेसिक क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं इंटरव्यू से ठीक है तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे हम माउंटेन की एल्टीट्यूड चढ़ते जाते हैं कुछ ना कुछ हाइट कवर करते जाते हैं तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज एज वी गो अप टू द हिल तो जैसे जैसे हम हिल टॉप पे जाते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरते जाता है किसके एज़ कम्पेयर टू आर बॉडी प्रेशर ठीक है तो हमारी बॉडी का जो प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें बैलेंस नहीं होता है और हमारा जो ब्लड है वो नोज के थ्रू आ जाता है ठीक है तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर वो बहुत लो हो जाता है हमारी बॉडी का प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हाई हो जाता है इसके थ्रू ब्लड जो है वो बाहर निकलने लगता है तो इसका आंसर क्या है हम देखते हैं द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज एट एल्टीट्यूड द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेड एट एल्टीट्यूड द द प्रेशर ऑफ़ द हाई आल्टीट्यूड इज ग्रेटर दैन देन ऑन द प्लेन्स द प्रेशर ऑफ ब्लड इन कैपिलेरीज इज ग्रेटर दैन आउटसाइड प्रेशर ठीक है तो इसका आंसर है सही ए द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज एट हाई ऑल्टीट्यूड ठीक है जिससे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं हमारा ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू एटमोसफिक प्रेशर विच इज नॉट एन हैरीडेटरी डिजीज अगेन हेल्थ एंड डिशीजों में से क्वेश्चन आने के हमेशा चांसेस होते हैं एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में ठीक है डिसीज हो गए वाइटामिन हो गए ठीक है बायोलॉजिकल जो केमिकल होते हैं हमारे उनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ठीक है तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो डिसीज है वो इनमें से हेरिडिटरी नहीं है ठीक है तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है थैलेसेमिया कलर ब्लाइंडनेस हेमोफीलिया एंड एनीमिया ठीक है तो आपको सबसे पहले इन चारों डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो थैलेमिसी थैलेसीमिया है उसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड जो हमारा ब्लड है उसमें आर काउंट होता है उसमें ऑक्सीजन जो बहुत कम होती है ऑक्सीजन हमारा ब्लड में बहुत कम जा पाता है ठीक है तो इसको थैले में इसे बोल सकते हैं आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं थैले हम कुछ भी चीज़ थैली में क्या करते हैं कैरी करते हैं ठीक है तो और एनीमिया हमको पता है जनरली जो मिया जो लास्ट में एनीमिया जो बर्ड यूज होता है ठीक है वो हम जनरली ब्लड से रिलेटेड चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ठीक है तो हम थैले से बोल सकते हैं कि कुछ भी चीज़ कैरी करने की क्षमता जो कि हमारी बहुत कम है और किसकी बात कर रहे हैं हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो लो लेवल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन ब्लड द डिजीज नोन एज थैलेसीमिया ठीक है सेकेंड ब्लड कलर ब्लाइंडनेस आप सभी को पता है सी पी वन सी पी टू सी पी थ्री अलग अलग टाइप्स के होते हैं ठीक है आप कैमोफ्लाज वगैरह भी देखा होगा आप जब मूवीज़ वगैरह देखते हैं डिफेंस वगैरह की ऊरी वगैरह भी आप सभी ने देखी होगी उसमें वो कैमोफ्लाज अपने आप को करके कर रखते हैं ठीक है जिससे हम उनको देख ना पाए तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा तो आप ऐसे लोगों को कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ठीक है अगर आप सी के बाद एस में रेकमेंड हो जाते हैं तो उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है जिसमें आपको ऐसे डॉटेड से नंबर लिखे हुए हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं ठीक है हीमोफीलिया हीमोफीलिया भी एक हेरिडिटरी डिसीज है ठीक है ब्लड का ही है जिसमें ब्लड में जो क्लॉटिंग वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो कि वाइटामिन के करता है ठीक है वाइटामिन के का, का काम जो होता है वो और प्लेटलेट्स जो है वो काम करते हैं हमारा ठीक है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का तो ये फॉर एग्जाम्पल यहां कट लग गया तो प्लेटलेट जाके यहाँ पर ऐसे अटक जाएंगे जिससे जो हमारा पावस है वो कम हो जाएगा हीमोफीलिया में क्या होता है कि हमारी क्लॉटिंग करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है इससे क्या होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और हम ब्लड को रोक नहीं पाते और उससे डेथ भी हो सकती है एनीमिया जो है वो आपका सही आंसर है जो कि हेरिडिटरी नहीं होता है ठीक है रिसेंटली आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम स्टार्ट करा है टू तक हमने सोचा है कि हम इस एनीमिया को एंड कर देंगे जनरली ये ट्राइबल्स लोगों में देखा जाता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ठीक है यहाँ पर जो ट्राइबल्स लोग पाए जाते हैं वहाँ पर आपका एनीमिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसीलिए हमने इसको फोर्टी टू थाउजेंड फोर्टी सेवन तक हमने इसको ख़त्म करने की कोशिश जारी रखी है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विच मेटल इज़ यूज एज रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन एक्सरे इमेजिंग अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है हर बार एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप इस चीज़ पे भी काम करिए इसका एप्लीकेशन्स एक्सरे क्या होती है गामा रेस क्या होती है यू वी रेस क्या होती है इनकी एप्लीकेशन्स क्या होती है रेडियो वेव्स क्या होती है इनकी एप्लीकेशन्स क्या होती आप इनका एक चार्ट बना लीजिए ठीक है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप सारी की वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी पे काम करिए इनको याद कर लीजिए कुछ ट्रिक बना के फिर इनका चार्ट बना लीजिए ठीक है और इनका यूसेज जो है उस पर भी आप काम कर लीजिए सारे यूसेज आप देख लीजिए तो आपका एक्सरे पे तो सी में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ठीक इस है इसका आंसर है बैरियम यूज होता है इसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है द वेब ऑफ द स्पाइडर इज मेड अप ऑफ तो स्पाइडर जो मकड़ी है वो जाला बनाती है वो किस चीज़ का बना होता है बहुत ही एप्लीकेशन प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है पूछता है सी इस टाइप के क्वेश्चन ठीक है तो इसका आंसर है प्रोटीन प्रोटीन हम यूज करते हैं मतलब स्पाइडर यूज करता है अपने जालों को बनाने के लिए वेब बनाने के लिए ठीक है आंसर इज प्रोटीन दो टाइप के प्रोटीन होते हैं ठीक है स्पाइंड्रेन वन एंड सेकेंड रैपिडली ग्रोइंग मास ऑफ फाइट प्लेक्टोन कवरिंग द सर्फेस ऑफ द वॉटर ऑफ द लेक और पोडिस यूरोट्रॉफी ट्रॉफिकेशन होता है आपने जनरली देखा होगा काई हम इसको हिंदी में बोलते हैं हम किसी लैंड वगैरह के आसपास जाते हैं तो तालाब वगैरह हमको दिखता है पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा होता है उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर फाइटो आ जाते हैं ठीक है फाइटो क्या करते हैं ये आपका लेक है ठीक है ये आपका लेक है यहाँ पर पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाता है ठीक है पूरा लेक ग्रीन ग्रीन दिखता है हमको बारिश में जनरली देखने को मिलता है ये ठीक है अब इसका दिक्कत क्या है इससे क्या होता है जो हमारी लाइट रेज होती है वो नीचे फिशरीज जो हमारे एक, एक्वेटिक एनिमल्स है उन पर जा नहीं पाती है उनके डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ठीक है <laughs> तो इसका राइट जो आंसर है वो आपका है यूरोडो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम ठीक है अपेरेंट मैग्नीट्यूड इज रिलेटेड टू तो अपेरेंट मैग्नीट्यूड क्या होता है ठीक है हम वो देखते हैं अपेरेंट मैग्नीट्यूड इज रिलेटेड टू ब्राइटनेस ऑफ स्टार डिस्टेंस ऑफ अ स्टार कलर ऑफ अ स्टार और लाइफ ऑफ अ स्टार ठीक है तो अगेन आपने जब आप ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं फिजिक्स में तो वहाँ पर एप्लीकेशंस भी होती है कि हमारा जो सन है वो रेड क्यों दिखता है सनसेट और सनराइज के समय हमारा जो प्लैनेट है वो हमको ट्विंकलिंग करते हुए क्यों नहीं दिखते स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं ठीक है वाई डज स्काई अपेस ब्लू अस ठीक है तो ये सारे रीजन हैं ठीक है थीके? उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से हमने एक आगे बढ़ के क्वेश्चन लिया कि अपेरेंट मैग्नीट्यूड किस चीज से रिलेटेड सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है अपेरेंट मैग्नीट्यूड किससे रिलेटेड है तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी कुछ ना कुछ खुद की लाइट होती है ठीक है तो ब्राइटनेस ऑफ स्टार जरूरी नहीं है स्टार हो सकता है कोई भी आपका सेलेशियल बॉडी हो सकता है ठीक है तो आपका अपेरेंट मैग्नीट्यूड क्या है ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार ठीक है ये किस किस चीजों पर डिपेंड करता है तो उस ल्यूमिनेसिटी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी ल्यूमिनिटी पर डिपेंड करेगा दूसरा डिस्टेंस ऑफ डेट ऑब्जेक्ट विथ अर्थ अगर बहुत ज्यादा पास है तो हमको बहुत ज्यादा ब्राइट दिखेगा ठीक है बहुत ज्यादा दूर है तो हमको थोड़ा सा डल दिखेगा ठीक है तो ये आपका मैग्नीट्यूड इज रिलेटेड टू ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार ठीक है नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक पर द सडन बस्टिंग ऑफ अ साइकिल ट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबो एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोथर्मलो कोरिक प्रोसेस एंड आइसो बारिक प्रोसेस ये आपने क्लास इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ रखा है इलेवेंथ में थर्मोडाइनिक्स ठीक है अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप इसको देखेंगे ठीक है सबसे पहले हम एडियाबेटिक प्रोसेस सारे इसमें अपन एक फिर देखेंगे सडन बस साइकिल ट्यूब जो होता है ठीक है वो क्यों होता है तो सबसे पहले हम एडियाबोटिक एडियाबेटिक प्रोसेस देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस वो जिसमें हीट और आपकी मास जो वो ट्रांसफर नहीं होता है आइसो थर्मल प्रोसेस क्या होती है आइसो जब भी आपको वर्ड आए आइसो आइसो मतलब होता है सेम ठीक है आइसो मतलब होता है सेम और किसी चीज से भी बात कर सकता है ठीक है थर्मल बात कर सकता है आइसो कोरिक बार बात कर सकता है आइसो बारिक बात कर सकता है ठीक है वो तो कुछ भी ले सकता है एनी चीज तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा कॉन्सेंट रहेगा ठीक है फिर आइसोथर्मल थर्मल में क्या हो जाएगा आइसो मतलब सेम होता है ठीक है तो सेम टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे होता है फिर आइसोकोरिक सेम वॉल्यूम होता है आइसोबारिक मतलब सेम प्रेशर होता है ठीक है और जो सडन बस्टिंग होती है वो किस लिए होती है तो हमारी एडिया प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस के कारण होती है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है फॉलोइंग इज एन कंजर्वेटिव फोर्स तो सबसे पहले हम देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअल में होती क्या है ठीक है कंजरवेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें जो भी फोर्स है वो अपने पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है फोर्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इथ पाथ इज नॉन एज कंजरवेटिव फोर्स ठीक है ऑप्शन इसके एग्जाम्पल होते हैं जनरली आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ठीक है इलास्टिक फोर्स होता है ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं ठीक है तो इसमें इसने इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है मतलब ऐसी कौन सी फोर्स है जो अपने पाथ पे इंडिपेंडेंट रहती है ठीक है तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल रहती है टेंशन इन निशन रोप देखते हैं ड्रैग फोर्स अपन ने स्टॉक्स लो पढ़ाता था वी डी इक्वल्स टू सिक्स पाए ईटा आर वी तो ड्रैग फोर्स आपकी एली होती है ठीक है इलेक्ट्रिक फोर्स बिल्कुल नहीं तो हमारे तीनों ऑप्शन कट जाते हैं आंसर बी जो है हमारा टेंशन इन अ रोप टेंशन इन अ रोप का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम पतंग उड़ा रहे हैं ठीक है तो जो टेंशन क्रिएट होता है उस टाइम पे उसी को हम टेंशन बोलते हैं ठीक है थीके? स्ट्रिंग में थोड़ा सा फोर्स एग्जिस्ट करना टेंशन होना ठीक है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव नेक्स्ट हम बोलते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ परमिएबिलिटीज ये रिफ्लेक्टिविटी नहीं है इट्स रिलेक्टिविटी तो ये बेसिक सा आपका एंडिया में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होती है अगर आपने मैग्नेटिक मैग्नेटिकिलिटी पढ़ा है तो बी क्वेश्चन म्यू नॉट ठीक है फोर पाई जो आपका ये आंसर होता है यह आपका परमिएबिलिटी होता है आपने इलेक्ट्रोस्टेटिक में भी पढ़ा होगा एप्सल नॉट जो आपका परमिटिविटी होता है है तो इसका आंसर रिलेक्टिविटी ऑप्शन ए इज द नॉट रिफ्लेक्टिविटी ठीक है तो इसका आंसर है मैग्नेटिक रिलेक्टिविटी इज एन रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक ठीक है वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंड एस इज द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेंट ट्वेंटी थ्री मॉलिकूल ऑफ ऑक्सीजन ये टेंट दावर आपका ट्वेंटी थ्री है ठीक है टेंट दावर ट्वेंटी थ्री ये चार ऑप्शन है सबसे पहले हम देखते हैं ओ टू जो है वो एक मॉलिक्यूल है ठीक है ओ सिंगल हमारा नैसेंट ऑक्सीजन होता है आपने देख रखा है ओ टू इज एन मॉलिक्यूल तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेंट अबाउट ट्वेंटी थ्री मॉलिकुल्स ऑफ ऑक्सीजन ठीक है ऑप्शन ए इज राइट आंसर बेसिक अब आपका सोशोमेट्री से ये क्वेश्चन है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट देन करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास नाइन्थ में आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा उसमें से सारे लॉज आपने पढ़े होंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ठीक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोशन डेफिनेट प्रपोशन ये आपने सारे लॉ पढ़े होंगे इसी लॉ का एक एग्जाम्पल उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि भाई जो रिएक्टेंट में जो भी रिएक्टेंट में यूज हो रहा है और जो प्रोडक्ट में इसका एक मास है फॉर एग्जाम्पल फिफ्टीन ग्राम तो इसका भी मास जो होना चाहिए फिफ्टीन ग्राम होना चाहिए ठीक है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का दोनों का जो मास होना चाहिए वो सेम होना चाहिए इफ़ दे आर सेम देन दे आर फॉलोइंग लॉ ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ठीक तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है ठीक है अगर हम कैलकुलेट करें तो सी थ्री एस H8 का कितना हो थर्टी टू ग्राम ग्राम सीओ का एटीन ग्राम ठीक है फोर्टी फोर प्लस थर्टी टू फोर्टी फोर एटीन इज नॉट देन इक्वल देन इट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बोलता है कि दोनों आपके रिएक्टेंट एंड साइड मास सेम होना चाहिए और इस केस में नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट एज इम्परिटी टू मैक्सिमम एक्सटेंट इन पीग आयरन तो आपने पीग आयरन ऑलरेडी पढ़ा होगा इसमें कार्बन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है इसका राइट जो आंसर है वो आपका कार्बन ही है ठीक है आप और टाइप के इसमें से क्योंकि पिछली बार वो टंगस्टन पे पूछा था क्वेश्चन ठीक है फिर कास्ट आयरन पे पूछा था गन uh, मेटल पे पूछा था ठीक है इनके वो रेशियो प्रपोर्शन पूछ सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है थर्टी वन परसेंट जिंक ब्रास अलॉय ठीक है ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को जब आप पढ़ेंगे तो आप सारे जितने भी एलिमेंट्स उनके एक एक परसेंटेज याद कर सकते हैं वो आपको हेल्पफुल रहेगा आप अगेन चार्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं आप तो बना के सारे जितने भी अलॉयज़ हैं उनके परसेंटेज एंड देयर यूजेस आप उनको पढ़ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं

Ag2 टू अगर आप इसकी रिएक्शन देखेंगे तो ए जी टू एस ठीक है आप इस एन ए सी एन सी रिएक्शन करवाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है ठीक है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आप अगेन रिएक्शन करवाएंगे तो आपको Ag जो है वो मिल जाएगा किसके साथ कराना है यही क्वेश्चन था जिंक के साथ कराएंगे डिस्प्लेसमेंट विद जिंक कराएंगे जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा और हमारे को एजी जो है सिल्वर जो है वो हमको मिल जाएगा ठीक है तो इसका राइट right आंसर है डिस्प्लेसमेंट विद जिंक नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं ठीक है अ 60 केजी एथलीट रनस अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स गेनिंग अ हाइट ऑफ 5 मीटर जब भी आप सीडीएस हो एनडी हो सीएपीएफ हो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप पहले सारा गिवन डाटा अगर आप पी सी एम बैकग्राउंड से नहीं है तो आप सबसे पहले सारा डाटा एक साइड लिख लीजिए वहाँ पर स्पेस होती है पेपर के पास या आप पीछे रफ शीट पे भी लिख सकते हैं आप सारा डाटा लिखने के बाद आप देखिए कि उसने पूछा क्या है फिर उसने जो जो पूछा है आप उसके रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला आपको पता है वो लिखिए आप कंपेयर कर पाएंगे कि आप ईजिली उस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं एज बी एव सीन इन सी डी एस एन एन डी ए जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होते जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका जो आंसर होता है वो तीन से चार लाइन या मैक्मम आधे पेज में आ जाता है ठीक है अगर आप एन डी ए दे रहे हो वहाँ आधे पेज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप सी डी एस में अपेयर कर रहे हो तो सिर्फ दो से तीन लाइन का क्वेश्चन इससे बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आता है अभी तक तो ऐसा ही देखा गया है ठीक है रिसेंट अगर ट्रेंड चेंज होता है तो ऐसा कोई अपने कुछ यू पी एस से कोई भरोसा नहीं है लेकिन अभी तक जो ट्रेंड देखा गया उसमें तीन से चार लाइन का ये भी क्वेश्चन उतना ही बड़ा है सिक्सटी के जी का एथेलीटे तो मास दे दिया हमको सिक्सटी के ठीक है अगेन हाइट दे दी किसकी दे दी है स्टेयर केस की फाइव मीटर और टाइम दे दिया हमको फोर सेकेंड सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि सारी चीज़ें जो है वो अपनी ऐसा SI यूनिट्स में है कि नहीं ठीक है तो फाइव SI मीटर भी अपनी ऐसे SI यूनिट में फोर सेकेंड भी अपनी ऐसे यूनिट में एंड सिक्सटी के जी इज ऑल्सो इन एस यूनिट क्या पूछा व्हाट इज द पावर पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन अपॉन मे टाइम रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज नोन इज पावर ठीक है तो ये हमारा फॉर्मूला है हमको वर्क डन निकालना है सबसे पहले ठीक है वर्क डन हम कैसे निकालेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी ठीक है दोनों की ऐसा यूनिट जूल भी होती है हम भी हमको पता है ठीक है एनर्जी का इसमें हम कौन से एनर्जी लगाएंगे पी इक्वल्स टू एम जी एच एम क्या है हमारा सिक्सटी जी कितना है हमारा टेन ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल और एच कितना है हमारा फाइव तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा सिक्स ये थ्री थाउजेंड ठीक है हमारा थ्री थाउजेंड जूल हमारी एनर्जी आ जाएगी या वर्क डन आ जाएगा अब इसमें हम थ्री थाउजेंड रख देंगे एंड हमारा टी क्या है टी फोर सेकेंड है इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो सेवन फिफ्टी हमारा राइट आंसर आ जाएगा तो ये अगर आप जब कॉपी में करेंगे तो आपको जनरली ये आधे पेज में कवर हो जाएगा ठीक उससे बड़ा न्यूमेरिकल नहीं, नहीं है ये ठीक है तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था इस टाइप के को क्वेश्चन आपको सी डी एस एनडीए या आपके सीईवीएफ में भी देखने को मिल सकते हैं ठीक है बॉन्ड्स आर सीन इन द फॉलोइंग बायोमोलिकल्स तो ये बायोमोलिकल्स का आपका चैप्टर है ठीक है अगेन क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है ये सबसे लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का ठीक है सीडीएस में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इवन एनडीए में भी वो पूछ रहा है कि फोस्फोडाईस्टर बॉन्ड्स किसमें मिलते हैं तो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को हम बोलते हैं सेंट्रल बॉन्ड्स ऑफ लाइफ जितनी भी चीजें हैं जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है उसका सेंट्रल बॉन्ड है भैया मतलब ये जनरली आपका न्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है तो आपको ऑप्शन में देखना है कौन कौन से जो ऑप्शन है उसमें न्यूक्लिक एसिड ठीक है तो डीएनए बिल्कुल डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड लिपिड्स में नहीं है कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में भी नहीं है में भी है तो वन इन फोर वन इन फोर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है आप ये याद रखेंगे कि जो फॉस्टफूड आइस्ट है बॉन्ड से उसको हम सेंट्रल बॉन्ड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं ठीक है विच मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ जीका वायरस बहुत ईजी क्वेश्चन है एडिस वायरस जो एडिस जो मॉस्किटो है वो आपका जीका वायरस का कैरियर होता है ठीक है लिफ्टेड वर्टिकली कैन बी अबाउट द वर्क डन फोर्स कोई भी बॉडी यहां पर है ठीक है आपका एंगल डिग्री बन जाएगा ठीक है अगर आपका 90 बन जाएगा तो भी हमने देख रखा है ठीक है तो इसका सही आंसर क्या है नेगेटिव डन ठीक है इसका सही आंसर आपका नेगेटिव वर्क डन जो होगा काम पे ठीक है हमने तीन टाइप के वर्क डन पढ़ रखे अगर थी डब्ल्यू को एफ इन टू एस एफ एस का ऑस थीटा हो जाएगा जब इसका एंगल जाएगा ठीक है अब थीटा तीन टाइप से हो सकता है थीटा 180 डिग्री हो सकता है थीटा 90 हो सकता है या थीटा 0 हो सकता है। जब जीरो पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे जब थीटा 90 होगा तो जीरो वर्क डन बोलेंगे थीटा 180 होगा तो नेगेटिव वर्क डन बोलेंगे तीन टाइप के वर्क डन होते हैं ठीक है और ये तीनों टाइप के वर्क डन आपके पूछा उसने ग्रेविटेशन में तो कौन सा काम करेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है सिल्क वाम किस पर फीड करता है मलबरी लीव्स फीड करता है ठीक है ये आपको क्वेश्चन क्लास एट्थ के एन में मिल जाएगा ठीक है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था सिल्क वॉम फीड्स ऑन मलबरी लीव्स अगेन मैं आपको फिर रिपीट करूंगा कि आप बेसिक्स पे फोकस करें एनसीआर के शॉर्ट नोट्स बनाएं ठीक है आपका उससे बहुत सारे क्वेश्चन तीस में से आप लगभग बाईस से पच्चीस क्वेश्चन निकाल लेंगे ठीक है अगर आपका मैथ्स एंड इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है आपको सिर्फ़ जी एस पोर्शन निकालना है तो आप पॉलिटी और साइंस को आप अच्छा सा पढ़ सकते करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे ऐड ऑन करेंगे तो आपका जी एस भी ईजिली निकल जाएगा इसी के साथ हम लास्ट जो हमारी फोर्थ क्लास थी इसके बाद हम और सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स के साथ ठीक है आई होप आपको हेल्पफुल रहा होगा आपकी प्रिपरेशन में ऐड ऑन किया होगा ठीक है थैंक यू